नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीधाम के दर्शन करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में केदारनाथ पहुंचने वाले हैं और सौगातों के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ आसान हो जाएगा, रोपवे प्रोजेक्ट को सौगात देंगे जब प्रधानमंत्री, क्योंकि सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच ये रोपवे शुरू होगा। पैदल रास्ता जो 18 किलोमीटर का था, जिसके लिए आपको वक्त 8 घंटे देने होते थे, अब वो रोपवे 13 किलोमीटर सफर का और वक्त आपका 30 मिनट का हो जाएगा। तो 3 घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम में रहने वाला है। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी जो कि ग्राउंड पर मौजूद है और ग्राउंड से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, उनका रुख कर लेते। शुभांकर हमारे साथ है, केदारनाथ से ही वो मौजूद है, और साथ ही साथ राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी बद्री धाम से मौजूद है। शुभांकर, कितने पल का और इंतजार, ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार पहुंचे, क्योंकि खास नाता केदारनाथ से रहा है और इस बार फिर इंतजार उन तस्वीरों का है जब प्रधानमंत्री आज वहां पहुंचेंगे। देखिए अर्पिता, जहां पर हम मौजूद हैं यहां से हमें दो हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ने लगे हैं, और अगर ये दो हेलीकॉप्टर यहां पर आए हैं तो या तो ये प्रधानमंत्री से आने के पहले उनके सुरक्षा टीम के हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात ये, देखिए हेलीकॉप्टर का शोर जो है वो यहां पर आने लगा। मैं कैमरा पर संजय से कहूंगा कि वो अपने कैमरा को हैंडी कर ले ताकि इन तस्वीरों को दिखाने में थोड़ी आसानी हो जाए, और किसी भी क्षण हेलीकॉप्टर की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर हेलीकॉप्टर की आवाज जो है सुनाई पड़ रही है। 8 बज गए, हालांकि 8:30 बजे से यहां पर प्रधानमंत्री का पूजा कार्यक्रम है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो ये है कि हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट यहां पर सुनाई पड़ रही है, और क्योंकि पैसेंजर हेलीकॉप्टर आज अलाउड नहीं है अभी सुबह, लिहाजा इन हेलीकॉप्टरों से संकेत यह माना जा रहा है कि या तो ये पीएम की टीम के हेलीकॉप्टर है या खुद प्रधानमंत्री मोदी। देखिए ये सेना का हेलीकॉप्टर जो है वो नजर आ रहा है यहां पर, और अब तो थोड़ी देर में ही हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर आज तक के कैमरे पर, और ये देखिए यहाँ पर ये केदारनाथ मंदिर है, और केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने अब हेलीकॉप्टर की तस्वीरें नजर आ रही है। वो देखिए सेना का वो डबल इंजन हेलीकॉप्टर यहाँ पर नजर आ रहा है, और अब धीरे धीरे यहाँ पर ये सुबगहट हो गई है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, और ये देखिए केदारनाथ मंदिर के पीछे एक हेलीपैड बनाया गया है, और वहीं पर ये हेलीकॉप्टर जो है ये लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पहली तस्वीर इस वक्त आज तक पे आपको दिखा रहे हैं, और सबसे पहली तस्वीर 8:30 बजे से प्रधानमंत्री का यहाँ पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है, उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीर है, वो ये है कि एक चॉपर यहाँ पर उतरा है। क्या ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर, इस पर हमारी नजर हुए, और स्पेशल हेलीकॉप्टर, स्पेशल हेलीपैड है जो यहाँ पर है, और अब यहाँ पर सुबगाहट जो है वो तेज हो गई है। तो ये एक बड़ी खबर हो सकती है कि प्रधानमंत्री या तो बस पहुंच गए हैं या फिर वो किसी भी क्षण पहुंचने वाले होंगे। हालांकि जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है एसपीजी की तैयारियों को देखकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही यह हेलीकॉप्टर है। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर सौगातों के साथ साथ एक बात समझना बहुत जरूरी है अर्पिता, वो ये है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर -6 डिग्री तक पारा आता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर विकास कार्यों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक अंग्रेजी की कहावत है कि हाफ बैटल इज डन प्रेजेंस के साथ, तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी जो है वो यहाँ पर चीजों को ज्यादा दुरुस्त कर देती है, लोगों में ऊर्जा भर देती है, जो यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें एक ऊर्जा मिलती है कि ताकि यहाँ काम को और तेज किया जाए, और धीरे धीरे यहाँ पर काम जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर, जो हलचल है, उससे लग रहा है कि प्रधानमंत्री के आगमन की हलचल जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो चली है। तो जो बात हम आपको बता रहे थे कि जिस जगह पर आप सही से बोल नहीं पा रहे, लड़खड़ा रही आवाज, टांगे जो है कपकपा रही हैं, वहां पर विकास परियोजनाओं को लाना, वहां पर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, भक्ति के साथ साथ उसको एक रोजगार के जरिए बना देना, ये बहुत बड़ी बात है। हमने ये बनारस में भी देखा था, हमने ये महाकाल उज्जैन में भी देखा था, हम ये अयोध्या में भी देख रहे हैं, और यही बात केदारनाथ में भी है। लेकिन केदारनाथ में जो बात अलग हो जाती है वो ये हो जाती है कि केदारनाथ में जिस प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर लोग सिर्फ 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने के बाद वो नीचे चले जाते हैं। ऐसे में 6 महीने में उनके रोजगार के साधन को और बेहतर करना, इस विषम परिस्थितियों में भी उनके लिए रोजगार का जरिया बनाए रखना, ये अपने आप में कई बड़ी बातें। लेकिन एक बार फिर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए ये केदारनाथ मंदिर है और वहां पर एक स्पेशल हेलीपैड है। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन संजय से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि तस्वीरें थोड़ा जूम करें। केदारनाथ की पहाड़ियों के पीछे वहां पर हमें एक हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, और
अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तो या तो प्रधानमंत्री मोदी या उनकी टीम से जुड़े लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू कर चुके हैं। और जो हमारी बातचीत हुई, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं जिक्र करना चाहूंगा अपने आज तक के दर्शकों के साथ। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति पूजा करता है या संकल्प लेता है तो वो व्यक्ति अपने नाम की पूजा करता है, अपने नाम के संकल्प लेता है या अपने परिवार के नाम का संकल्प लेता है। देखिए ये हेलीकॉप्टर हम आपको दिखा रहे हैं, तो यहां पर जो हलचल है वो तेज हो गई है और ये सेना के स्पेशल हेलीकॉप्टर्स हैं जो यहां पर आए हैं। और अब केदारनाथ की इन पहाड़ियों में इन हेलीकॉप्टर्स की आवाजें जो हैं वो गूंज रही हैं। ये कहा जा रहा है कि ये धीरे धीरे प्रधानमंत्री की जो टीम है वो भी यहां पर आ रही है। दो चौपर यहां पर अब तक आ चुके हैं और ये केदारनाथ की पहाड़ियों में हम आपको दिखा रहे हैं सुबह। आज अच्छी बात यह कि मौसम जो है वो बिल्कुल साफ है, धूप जो है वो तेज खिली हुई है और इसी वजह से इन पहाड़ियों पर जो बर्फ जमी हुई है वो आपको चमकती हुई नजर आ रही है। तो दो चौपर जो है वो यहाँ पहुंचे हैं, क्या प्रधानमंत्री यहाँ लैंड कर चुके हैं इस पर अभी हमारी नजर बनी हुई है। हालांकि किसी भी क्षण वो कैमरों में नजर आ सकते हैं, लेकिन जो बात हम कह रहे थे कि यहाँ के साधु संतों महात्मा पुजारियों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार यहाँ पर पूजा की है, रुद्राभिषेक किया है, लेकिन जब प्रधानमंत्री संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प अपने नाम का नहीं लेते हैं, वो भारतवासियों के नाम का संकल्प लेते हैं, वो देशवासियों के नाम का संकल्प लेते हैं, वो देश के लोगों की सुरक्षा के नाम का संकल्प लेते हैं, वो देश के विकास संकल्प लेते हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी को अलग बना देता है क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में बनाई गई जगह। शुभांकर देखिए ये जिस तरीके से तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो जरा वो भी अपडेट जल्दी से पहुंचाइएगा, लेकिन बात यहां पर एक सुविधाजनक सुगम रास्ता बनाने की, ताकि जो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं वो आसानी से दर्शन करने पहुंच जाए। और इसीलिए रोपवे प्रोजेक्ट की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, इससे रास्ता कितना सुगम हो जाएगा जरा ये समझाइए। इसके अलावा इस तरीके से जो 2013 में यहां पर विनाशकारी आपदा आई थी, कितने लोग लापता हुए थे, कितने लोग हम नहीं रहे हमारे बीच में, वो दंश अभी भी उत्तराखंड झेल रहा है, इसीलिए यहां पर कायाकल्प किया गया, पहला चरण इसका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या तस्वीर वहां पर बदली? देखिए अर्पिता, मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि अंग्रेजी कहावत है हाफ बैटल इज डन विद योर प्रेजेंस, यानी प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत की मौजूदगी से आधी लड़ाई जो है खत्म हो जाती है। अब आपने जिक्र किया क्या बदलेगा रोवे परियोजना से। देखिए यहाँ आने के दो से तीन जरिया अभी तक हैं। एक जरिया है कि आप पैदल आइए जिसमें आप तकरीबन 7 से 8 घंटे लेते हैं आम लोग। दूसरा जरिया है खच्चर से आने का, लेकिन बरसात के दिनों में कई बार बहुत परेशानियां हो जाती हैं और लोग कई बार गिरने का डर रहता है क्योंकि खच्चर स्लिप कर जाते थोड़े थोड़े उसी जगह पर, तो कई बार लोगों की पीठ अकड़ जाती है और वो महंगा भी पड़ता है। तीसरा जो है, जो सबसे आसान जरिया है, वो है हेली सेवा का। गौरीकुंड से आप हेलीकॉप्टर लेते हैं, 10 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी एक घटना भी घटित हुई थी, आपको याद होगा, आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर था, क्योंकि सकरी यहां पर जो घाटी है वो है। लेकिन जब रोपवे परियोजना आएगी तो जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पर जहां पर हम मौजूद हैं यहां की दूरी केवल 30 मिनट की हो जाएगी, यानी जो सफर पैदल आप 8 घंटे में सफर करते थे उसे आप केवल और केवल 30 मिनट में पूरा कर लेंगे। दूसरी बड़ी बात, आपके मन में सवाल आएगा कि हेली सुविधा से क्या। हेली सुविधा मौसम के हिसाब से होती है, जब तक ये धूप चमक रही है तब तक हेली सुविधा का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर ये धूप नहीं होगी, यहाँ पर बर्फबारी होगी जो कि आमतौर पर मौसम बदलता रहता है, कोहरा हो जाता है, तो फिर वो हेलीकॉप्टर की सुविधा बंद कर दी जाती है। कई बार लोग दो दो दिन तक इंतजार करते रहते हैं, ऐसे में वो ज्यादा सुगम हो जाएगा जब ये परियोजना शुरू जाएगी रोपवे की। तीसरी बड़ी बात, हेलीकॉप्टर सुविधा में लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं और आमतौर पर जो केदारनाथ आते हैं वो भक्त होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। ऐसे में लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली का कोई शख्स अगर यहाँ दर्शन करने आता है तो वो कम पैसों में आसानी से इस रास्ते के जरिए ऊपर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा सड़कों के चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट भी है, तो कुल मिलाकर यहाँ पहुंचना इस रोपवे परियोजना के बाद जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आपका दूसरा सवाल, जो आपने कहा 2013 के बाद क्या बदला था, मैं कैमरा पर्सन संजय से रिक्वेस्ट करूंगा अगर कैमरा वो उठा सके, एक बार उधर वो पहाड़ी घाटी को दिखाइए। देखिए वहां दूर आपको एक रास्ता नजर आएगा, वो देखिए ये वो पहाड़ियां हैं जो इस वक्त सफेद बर्फ की मोटी चादर से चमक रही हैं, लेकिन वो जो दूर पहाड़ियां नजर आ रही हैं, पहले केदारनाथ धाम का रास्ता वहां हुआ करता था, तकरीबन 14 किलोमीटर का वो रास्ता था, लेकिन क्योंकि पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच में वो रास्ता था और त्रासदी के बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया। वो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वो रास्ता जो पूरा जाता हुआ नजर आ रहा है गौरीकुंड तक, वो रास्ता हम आपको गौरीकुंड नहीं, माफ कीजिए, ये रास्ता जो आपको जाते हुए दिखा रहे हैं गरुड़चट्टी तक, जहां वो गरुड़चट्टी जहां पर हाल फिलहाल में आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था।
इस रास्ते को बंद किया गया। इसके बाद एक रास्ता नया बनाया गया जो 16 किलोमीटर है। हालांकि इस रास्ते में भी अभी भी कई तरह की परेशानियां हैं, लेकिन फिर हम आपसे कह रहे हैं कि जिस जगह पर हम हैं ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये जगह जो है यहाँ पर -6 -7 डिग्री टेम्परेचर होता है। यहाँ पर सीधे खड़े होना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, रात को बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में भी यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, लगातार हो रहा है, बेहतर हो रहा है, ये अपने आप में अद्भुत चीज है। लेकिन हेलीकॉप्टर का शोर जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे तेज हो रहा है। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर जो है वो और आ रहे हैं और एक हेलीकॉप्टर इस वक्त यहाँ पर हमें और सुनाई पड़ रहा है। तो 2013 में प्रधानमंत्री मोदी जब उत्तराखंड पहुंचते हैं गुजरातियों को लेने के लिए, देखिए एक हेलीकॉप्टर और आया है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा ये दिखाएं तस्वीरें। एक हेलीकॉप्टर और आया है, क्या ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है? इस पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि संभवतः ये माना जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर जो है ये हेलीकॉप्टर शायद प्रधानमंत्री का है। और ये देखिए Mi-17 हेलीकॉप्टर और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। Mi-17 हेलीकॉप्टर सेना का पुराना सबसे अपग्रेडेड हेलीकॉप्टर, एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिससे सबसे ज्यादा सुरक्षित माना आता है, डबल इंजन हेलीकॉप्टर, और वो इस वक्त आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। देखिए आज तक पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम के ठीक पीछे जो हेलीपैड बना हुआ है, उस स्पेशल हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त लैंड कर रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर। तो डबल इंजन हेलीकॉप्टर, सेना का एक मजबूत हेलीकॉप्टर, एक सुरक्षित हेलीकॉप्टर, और ये हेलीकॉप्टर में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य जो है उसके फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है और अब यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लैंड कर गया है। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। तो किसी भी क्षण प्रधानमंत्री आप यहां पर बाहर निकलेंगे और इसके बाद वो पूजा करने जाएंगे 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। ये कहा जा रहा है कि रुद्राभिषेक का कार्यक्रम जो है वो यहां पर होगा। और इस वक्त आज तक के कैमरों के जरिए 8:10 पर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हेलीकॉप्टर। प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, इसके बाद 9 बजे से वो केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 9.7 किलोमीटर लंबा ये रोपवे होगा और गौरीकुंड केदारनाथ से जोड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ की, इन पहाड़ियों के बीच में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर इस हेलीपैड पर लैंड कर चुका है। और अर्पिता ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं ये इस वक्त आज तक के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर ठंड जो है वो बहुत ज्यादा है, हालांकि आज धूप खिलखिलाई हुई निकली है, लेकिन इस कड़क ठंड में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच गया है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता है और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए मंदिर प्रांगण भी एक बार आपको दिखाते हैं, एक बार हेलीपैड से मंदिर प्रांगण की तरफ भी कैमरा पैन कीजिए। मंदिर प्रांगण जो है बिल्कुल इस वक्त देखेंगे आप बाहर खाली है, केवल एक पुजारी आपको नजर आ रहे हैं। देखिए पुजारी जो है वो नजर आ रहे हैं और इन पुजारियों से भी हमने बात की। हमने इनसे पूछा कि प्रधानमंत्री को लेकर आपका क्या कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि आज एक बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है और इस शुभ दिन प्रधानमंत्री का आज रुद्राभिषेक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कार्तिक मास की एकादशी तिथि आज है, तो ये एक बड़ी बात है, कार्तिक मास की एकादशी तिथि आज है और इस दिन प्रधानमंत्री का रुद्राभिषेक किया जाएगा। आधे घंटे का रुद्राभिषेक कार्यक्रम है और उसके बाद तमाम सौगातें जो है वो दी जाएगी। तो ये तस्वीरें शुभांकर हम तक पहुंचा रहे हैं। शुभांकर ये तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग लगाव, दिखाइए दिखाइए तस्वीर दिखाइए। देखिए देखिए उत्तराखंड के राज्यपाल जो है वो हमें नजर आ रहे कैमरे पे, अगर कैमरा जूम कर सके मेरे सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वो नजर आ रहे हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आज तक पर एक्सक्लूसिव, और संभवतः ये उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है जो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो उत्तराखंड के राज्यपाल जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, SPG के सुरक्षा कर्मी जो है उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं और राज्यपाल की मौजूदगी बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ जो लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं, तमाम जो गणमान्य है वो पहुंचने लगे हैं। और इस वक्त आज तक के कैमरे पर पीछे आपको Mi-17 नजर आ रहा है, सेना का एक मजबूत विमान, और उसके आगे नीचे केदारनाथ मंदिर के ठीक बगल में आपको उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नजर आ रहे हैं जो मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, एक तरीके से कहे तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तैयारियां कैसी हैं, तैयारियों को समझते हुए। और उसके ठीक बगल में देखिए वहां पर जो पंडित जी नजर आ रहे हैं, एक पंडित जी भी आपको नजर
आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले आज तक ने अर्पिता आप ही के सामने उनसे बात की थी और ये समझा था कि प्रधानमंत्री को लेकर क्या तैयारियां हैं, तो उन्होंने बताया हमें कि आज चूंकि एकादशी है एक महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। इसके अलावा हमने पूछा क्या तैयारियां हैं, कैसे पूजा पाठ होगी, तो उन्होंने कहा आधे घंटे का रुद्राभिषेक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री को लेकर 7 बार वो पूजा कर चुके हैं, हालांकि प्रधानमंत्री यहाँ 6वीं बार ही आ रहे हैं, तो ये आधे घंटे की पूजा अर्चना होगी। प्रधानमंत्री एक शुभक्त है, इसमें कोई हराने की बात नहीं है, हर कोई जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बता दीजिए, क्योंकि 8-10 पर देखिए उनको पहुंचना था, जैसे कि तस्वीरें भी हम देख ही रहे हैं। उसके बाद उनके जिस तरीके से हमें याद है 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जब मतगणना से ठीक पहले वो केदारनाथ पहुंचे थे, 17 घंटे वो गुफा में थे। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या क्या तस्वीरें ऐसी ही सामने आने वाली हैं? मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है प्रधानमंत्री का? देखिए अर्पिता, प्रधानमंत्री को 8:15 के आसपास यहाँ पहुंचना था, 8:30 बजे से उनका रुद्राभिषेक कार्यक्रम है, जो तमाम पुजारियों ने हमें बताया। 9 बजे के बाद वो केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे, इसके बाद गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ने वाली और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर कई चीजों का जायजा लेने वाले हैं वो, क्योंकि केदारनाथ में जो यहाँ को बेहतर किया जा रहा है इसका फेज वन का काम चल रहा है और फेज वन का काम लगभग पूरा हो चुका है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री यहाँ पर जो काम किए गए हैं, विकास परियोजनाएं की गई हैं, उनकी समीक्षा किए गए, उनके विकास परियोजनाओं की समीक्षा लेने वाले हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि बहुत ही विषम परिस्थितियों में यहाँ पर काम होता है, और ऐसे में जब प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों के बीच में जाएंगे, 11:30 बजे तक यहाँ कार्यक्रम है, उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो इन विकास परियोजनाओं का हिस्सा है, जो निर्माण का हिस्सा है अलग अलग जगहों पर, तो फिर उनमें एक नई तरह की ऊर्जा आती है, उन्हें भी समझ में आता है कि इन विषम परिस्थितियों में देश का प्रधानमंत्री उनके बीच खड़ा है, वो भी नजर बनाए हुए है कि श्रद्धालुओं को राहत कैसे पहुंचाई जाए। और ये बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहां पर विकास कार्य करना इतना आसान नहीं है, देश के बाकी हिस्सों से, चाहे महाकाल कॉरिडोर की बात कर लीजिए या अयोध्या राम मंदिर की बात कर लीजिए या काशी कॉरिडोर की बात कर लीजिए, वहां पर विकास कार्य करना यहां की तुलना में बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि यहां पर आप 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, यहां पर आपको कोई सामान लाना होता है तो फिर उसके लिए या तो आपको हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है या घोड़ों का। ऐसे में आप सोचिए कितनी मुश्किलें होती होंगी कि यहां पर किस तरह से निर्माण कार्य होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें जो है वो नजर आने लगी हैं, प्रधानमंत्री 8:30 बजे मेरे पीछे जो ये केदारनाथ मंदिर नजर आ रहा है, जिसे सजाया गया फूलों से, जो इस वक्त सूरज की किरणों से चमक रहा है, वहां पर रुद्राभिषेक करेंगे, विशेष पूजा अर्चना होने वाली है और एकादशी का ये मौका, जहां पर प्रधानमंत्री को लेकर पंडितों ने बताया कि कई खास तरह की पूजा अर्चना की गई है। इसके अलावा कई निर्माण कार्य हैं जिनका जायजा लिया जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के राज्यपाल से लेकर तमाम लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो अर्पिता है वो ये है कि आज यहाँ पर धूप खिली हुई है। एक बार संजय जरा तस्वीरें दिखा दीजिए पहाड़ियों की, इस वक्त चारों तरफ आपको देखेंगे तो धूप जो है वो आपको नजर आएगी। मैं कैमरा पर्सन संजय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि केदारनाथ की जो पहाड़ियां हैं एक बार उन्हें दिखाया जाए, चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पर खिलखिलाती हुई धूप जो है नजर आ रही है, ये मंदिर जो है पूरा प्रांगण इस वक्त धूप में नजर आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मौसम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बार बार हम लोग कहते हैं कि आप केदारनाथ के धाम पर नहीं आते हैं, आप दर्शन तब कर पाते हैं जब बाबा केदार आपको बुलाते हैं, फिर चाहे आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पत्रकार हो या कोई आम जन हो, अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो आप दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री का ये बाबा केदार से एक रिश्ता है, और यही वजह है कि कल देर शाम तक जब लगातार हम मौसम की बात कर रहे थे, अभी चर्चा कर रहे थे, आप इशारा कीजिएगा, आपका रुख करूंगी। इस बीच स्वामी सर्वानंद सरस्वती चांसलर भारती श्री पीठम के वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और महंत नवल किशोर महामंडलेश्वर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल किशोर जी, सबसे पहले आपसे, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस गए तो उन्होंने कहा कि वो खुद नहीं आए हैं, गंगा माँ ने बुलाया है। आज जब वो केदारनाथ इससे पहले पहुंचे थे तब भी उन्होंने कहा कि बाबा ने बुलाया है, यानी एक अलग ही रिश्ता, चाहे वो शिव से हो या गंगा माँ से हो, वो प्रदर्शित करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आस तोस तुम अवडर दानी, आरती हर हो दीन मोहि जानी। देवादेव भगवान शिव केदार की वो कंदराएं, हिमालय का पावन स्थल जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रतिवर्ष जाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। और आप सब जानते हैं
स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा देखने का अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री कंदरा में बैठ करके, गुफा में बैठ करके ध्यान लगाते हैं, भगवान शिव की आराधना कई कई घंटे तक करते हैं, त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष की माला गले में पहन करके निकलते हैं। ये वही देश है जहां कुछ और होता था, आज भगवान की कृपा है, महादेव की कृपा है। और मैं तो चाहूंगा कि इस प्रकार का यशवान कीर्तिवान प्रधानमंत्री बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। देवादेव महादेव कृपा हम सब पर करें और प्रधानमंत्री जी पर भी करें। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी चाहे काशी जाएं, वहां का आप देखिए जीर्णोद्धार कॉरिडोर बन गया, उज्जैन पूरा शिवलोक ही बनकर तैयार हो गया, सरोवर जहां आचमन नहीं किया जा सकता था वहां अवगान कर सकते हैं, और केदार की कंदराएं आप देखते हैं वहां श्रद्धालुओं को एक नई ऊर्जा प्रदान करती हैं, नया तेज प्रदान करती हैं। और प्रधानमंत्री जी देश का मुखिया जब कहीं पूजा करता है आराधना तो यानी देश का मुखिया जो है वो पहुंच रहा है बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये छठी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, 100 करोड़ की सौगात वो लेकर पहुंच रहे हैं। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम जाने का भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है और खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। महंत नवल किशोर भी महामंडलेश्वर जो हैं वो मौजूद हैं और स्वामी सर्वानंद सरस्वती चांसलर भारती श्री पीठम के वो भी हमारे साथ हैं। स्वामी जी आप आज के इस कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना और वो भी छठी बार जाना कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परम शिव भक्त भारतीय संस्कृति के अनुयायी हैं और उन्होंने जिस तरह से धर्म और संस्कृति का समन्वय किया है तो वो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए मैं एक ही बात कह सकता हूँ, सत्यम चमे श्रद्धा चमे जगत चमे धनम चमे विश्वम चमे महस्मे कीड़ा चमे मोदश्चमे जातश्चमे जनश्यामा। भगवान शिव केदार, जो केदार खंड है हमारे पुराणों में, वह जो ऋग्वेद का अष्टम बल्ली है जिसमें रुष्टाध्याय के द्वारा अर्चन होने वाला है, तो ऐसे प्रभु जहां पर रोक रही हूं आपको, शुभांकर अपडेट है उनके पास। हाँ शुभांकर देखिए अर्पिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आज तक के कैमरे पर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये देखिए तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। अब क्या इसमें वो हैं, क्योंकि थोड़ी दूर से वहां से तस्वीरें नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये पहला जो एक जत्था है प्रधानमंत्री की टीम का वो यहाँ नजर आ रहा है। और क्या इसमें प्रधानमंत्री, ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिलहाल हलचल जो है वो यहाँ बहुत ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि एसपीजी के जो जवान है या जो यहाँ पर अधिकारी है, जब हम इशारा कर रहे थे तो उन्होंने हमसे ये कहा कि इसमें प्रधानमंत्री नहीं है, इसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे, तो किसी भी क्षण जो है अर्पिता वो यहां पर आ सकते हैं। हम चाहेंगे कैमरे पर आप नजर बनाए रखें क्योंकि यहां पर बार बार हलचल तेज हो रही है, उत्सुकता का माहौल जो हो रहा है इस ठंड में हो रहा है, लोग एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उत्सुक हो जाते हैं, तमाम अधिकारी भी। और यहां पर और उत्तराखंड सरकार के, देखिए आप जो जानकारी हमारे पास आई है, उत्तराखंड सरकार के ये तमाम मंत्री हैं, अलग अलग मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के जो यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर अब तक नहीं है, लेकिन ये तमाम वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री के साथ मंदिर में रहेंगे और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी जिक्र किया जा रहा है। तो राज्यपाल जो थे वो पहले से यहाँ मौजूद थे और उत्तराखंड की जो कैबिनेट है उसमें से तमाम लोग जो है वो अब नजर आ रहे हैं। तो ये पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट में से तमाम जो मंत्री हैं वो इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी तस्वीर और अब धीरे धीरे तस्वीरें जो है यहाँ पर आने लगी है, प्रधानमंत्री का आगमन जो है वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीर है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, जो तमाम मंत्री हैं, तमाम गणमान्य लोग हैं जो प्रधानमंत्री के साथ पूजा प्रांगण में रहेंगे, जो उस विशेष पूजा का हिस्सा बनेंगे, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और उनकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सरकार उत्तराखंड की जो है वो तैयार है, उत्तराखंड की कैबिनेट तैयार है, तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो तैयार हैं और यहाँ पर ये पहली तस्वीर वीवीआईपीस की उन तमाम लोगों की
की जो मंदिर प्रांगण में पहुंचे हैं, यहां पर दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ पहुंचे हैं, जो इन योजनाओं की स्वागत का हिस्सा बनने वाले हैं। तो ये पहली तस्वीर इस वक्त आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। और उत्तराखंड के राज्यपाल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उत्तराखंड के जो तमाम गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, जो साधु संत पुजारी हैं जो विशेष पूजा को करवाने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हलचल जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है, आप किसी भी क्षण प्रधानमंत्री भी आपको यहाँ नजर आ सकते हैं। हालांकि एक बार हम आपको प्रधानमंत्री के आगमन से पहले उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो आपने पूछा था अर्पिता वो बता देता हूं मैं। केदारनाथ धाम में सबसे पहले प्रधानमंत्री दर्शन और पूजा करने वाले, ये मंदिर की तस्वीरें और ये गणमान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले केदारनाथ धाम में दर्शन पूजा होगा। उसके बाद केदारनाथ धाम में आधे घंटे पूजा करने के बाद रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। इसके बाद ये जो मंदिर आप देख रही हैं केदारनाथ मंदिर, इसके ठीक पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है, और इसी मंदिर के ठीक पीछे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है उस समाधि स्थल में भी जाकर प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे। तो पहला कार्यक्रम जो है वो है यहाँ पर पूजा अर्चन का, दूसरा कार्यक्रम जो है वो है आप रोपवे परियोजना के शिलान्यास का, तीसरा कार्यक्रम जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल पर जाने का, इसके बाद चौथा कार्यक्रम जो है वो है मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ में संचालित जो पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं, उन तमाम पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेना, और इसके बाद जो श्रमजीवी यहाँ पर हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री उनके साथ भी संवाद करेंगे। तो ये पांच कार्यक्रम केदारनाथ के हैं। अगर आप चाहेंगे तो एक बार फिर दोहरा दूंगा, सबसे पहले इस मंदिर में पूजन अर्चना होगा, उसके बाद रोपवे परियोजना की शिलान्यास किया जाएगा, सौगात जो है वो दी जाएगी। इसके बाद जो तीसरा कार्यक्रम है वो इस मंदिर के ठीक पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल पर जाएंगे प्रधानमंत्री, वहां पर उन्हें नमन करेंगे। इसके बाद मंदाकिनी और सरस्वती जो आस्था पथ है उसके पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया जाएगा, और वो तमाम श्रमजीवी जो है उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, और इसके बाद तकरीबन 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ से बद्रीनाथ का रुख कर जाएंगे, वहां से उन्हें माड़ा भी जाना है। लेकिन फिलहाल बिल्कुल शुभांकर, 3 मई 2017, 19 अक्टूबर 2017, 7 नवंबर 2018, 18 मई 2019, 5 नवंबर 2021 और आज 21 अक्टूबर 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं छठी बार केदारधाम, और उसके लिए खास तैयारी भी आपने दिखाई। बस इंतजार एक झलक देखने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, थोड़ी देर में वो झलक भी शुभांकर हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से शुभांकर ये रोपवे का निर्माण हो रहा है, ये बहुत चीजों को आसान कर देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछला संबोधन जब वो पहुंचे उन्होंने कहा कि बाबा ने उनको बुलाया है, इस संबोधन के साथ उन्होंने शुरुआत की और ये कहा, ये भरोसा जताया कि कोशिश उनकी यही है कि यहां रास्ता सुगम कर दिया जाए, आसान कर दिया जाए जो लोग पहुंच रहे हैं, और वो तकरीबन अपने वादे को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पैदल रास्ता 18 किलोमीटर का था, 8 घंटे का जिसमें समय लगता था, अब 13 किलोमीटर का ये रास्ता हो जाएगा और समय भी मात्र 30 मिनट। देखिए अर्पिता, ये परेशानियों को वो व्यक्ति समझ सकता है जो केदारनाथ की इस धरती पर कभी पैदल यात्रा कर आया हो, ये उसे वो समझ सकता है जो सीधे चौपर से यहाँ ना पहुंचा हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से रिश्ता जो है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू नहीं हुआ है, ये टेम्पल आना उन्होंने पद पाने के बाद नहीं शुरू किया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर वो आया करते थे, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर गरुड़चट्टी का इलाका है जहाँ पर उनके गुरुजी रहा करते थे, और वहीं पर प्रधानमंत्री महीनों महीनों बैठकर समाधि करते थे, योग करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री यहाँ की परेशानियों को समझते हैं, उनकी जो चिंता है, उनकी जो भावना है केदारनाथ के साथ, वो एक आम व्यक्ति की तरह है। जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी वो यहाँ पर पहुंचे, और अब जब वो प्रधानमंत्री है, जैसा कि अभी आप तारीखें बता रही थी, तो बीते 8 सालों में वो छठी बार यहाँ पर पहुंचे, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री के दिल में बाबा केदार बसते हैं, और बाबा केदार की महिमा उन पर अपरंपार है। बाबा केदार भी देखिए, इतना खराब मौसम था, हम लोग खुद परेशान थे, लेकिन आज यहाँ पर मौसम जो है वो खुशनुमा है, पूरा एकदम रोशनी जो है नजर आ रही है। ठीक है, जैसे शुभांकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, वो पहली झलक भी टीवी पर आज तक की स्क्रीन पर आप देखेंगे। शुभांकर, आप तुरंत इशारा कीजिएगा, स्वामी सरस्वती जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप बता रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कनेक्शन रहा है, और यहाँ पर पहुंचना आप किस तरीके से देख रहे थे? अर्पिता, भगवान शिव सदा ही वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम। मोदी जी अपने बचपन से ही साधक हैं,
उनकी माता पिता ने उनको संस्कार दिए, तो जिस तरह से वो ईश्वर के प्रति, विश्वनाथ के प्रति, महाकाल के प्रति, अंबाजी जो गुजरात में है उनके प्रति, जो काली मंदिर का भी उन्होंने किया है उसके प्रति, जो सरदार पटेल का इतना बड़ा स्टैचू खड़ा कर दिया है उसके प्रति, और केदार से तो उनका आत्मीय लगाव है, वहां बैठ करके उन्होंने साधना की, क्यों केदार घाटी जो है, केदार खंड हमारा ऋग्वेद का खंड है, जहां से ऋग्वेद की रुद्राष्टाध्याय का वो संक्षेप अर्चन करेंगे। तो भगवान सदा ऑर्डर दानी है, वो देते हैं और शक्तियां देते हैं। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को भगवान शिव की शक्ति प्राप्त होगी, तो निश्चित जैसी दुर्गम परिस्थितियां चल रही हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस, वातावरण, धरती में ज्वालामुखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, शुभांकर तस्वीरें दिखाइए। अर्पिता, ये देखिए अर्पिता, यहाँ पर बैटरी वाली छोटी गाड़ी आपको नजर आ रही है, और यही वो गाड़ी है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार है। तो ये तस्वीर जो है, देखिए नीचे उत्तराखंड कैबिनेट के या राज्यपाल से लेकर तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो मौजूद हैं, और ऊपर जो ये गाड़ी नजर आ रही है ये यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं आपको। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आज तक पर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर, ये जो गाड़ी नजर आ रही है छोटी सी आपको, इसी में सवार है, और उनके अगल बगल एसपीजी के तमाम सुरक्षाकर्मी जो है वो मौजूद नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर सबसे पहले आज तक पर आपको दिखा रहे हैं, नीचे इंतजार करने के लिए, स्वागत करने के लिए तमाम जो गणमान्य लोग हैं, कैबिनेट के लोग हैं वो मौजूद है, राज्यपाल मौजूद है, और ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। ये वो तस्वीर है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो था वो केदारनाथ का था, और अब जब 8:35 हो रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच गए हैं। तो ये किसी भी क्षण आपको प्रधानमंत्री इस गाड़ी से उतरते हुए नजर आएंगे। 8:30 का ये कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में बीते 8 सालों में प्रधानमंत्री बनने के बाद 6ठी बार केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। केदारनाथ धाम में 6ठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और अब देखिए प्रधानमंत्री वहां गाड़ी से उतर चुके हैं और अब वहां पर अभिवादन करते हुए, ये पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के लिबास में भी नजर आ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री का आप गेटअप भी देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के जो वेशभूषा है उसमें नजर आते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री का ये अंदाज रहा है कि वो जहां भी जाते हैं उस जगह के रंग में ढल जाते हैं। सही कह रहे हैं शुभांकर, ये देखिए तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए। अरे किस तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, कुछ यही अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है। आपने अगर हर बार ये गौर किया हो कि जब भी प्रधानमंत्री कहीं पहुंचते हैं खासतौर पर बाबा के दर्शन के लिए, तो कुछ इसी अंदाज में पहले भी तस्वीरें हमने देखी है, और वही अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक पे एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं, केदारनाथ सबसे पहले पूजा अर्चना करने के लिए वो पहुंचे हैं। शुभांकर, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हुए। ये देखिए अर्पिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल केदारनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उनके साथ पुष्कर सिंह धामी जो है वो मौजूद रहे, और उत्तराखंड के राज्यपाल जो वो मौजूद रहे, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहां से नजर आ रहा है मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ मंदिर में जा रहे हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया भी था कि हमने जो पुजारी उनसे पूजा पाठ करवाने वाले हैं, हमने उनसे पूछा था कि वो कौन सी पूजा जो आप करवाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कार्यक्रम है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुद्राभिषेक करेंगे। हमने पूछा रुद्राभिषेक में खास क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने कई बार करवाया है। उन्होंने कहा कि देखिए जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, विशेष पूजा पाठ करता है या संकल्प लेता है, तो वो खुद के लिए संकल्प लेता है, परिवार के लिए संकल्प लेता है, लेकिन बीते 6 सालों में, बीते 6 मौके में, यानी इससे पहले जो 5 मौके थे, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं, जब भी विशेष पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो वो अपने लिए संकल्प नहीं लेते हैं, अपने परिवार के लिए संकल्प नहीं लेते हैं, वो भारत के लिए संकल्प लेते हैं, भारतवासियों के लिए संकल्प लेते हैं, वो भारतवासियों की सुरक्षा के लिए संकल्प लेते हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी बाबा के दर के अंदर जा चुके हैं, भव्य सजाया गया, देखिए खिलखिलाती हुई धूप भी दर्शा रही है कि बाबा की नगरी केदारनाथ जो है वो भी स्वागत कर रही है, क्योंकि मौसम का मिजाज जो है यहाँ पल पल बदलता है।
मौसम का मिजाज जो है वो यहाँ पल पल बदलता है, और इस पल पल के बदलते मौसम के बीच में कई सारी आशंकाएं थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईश्वर भी मेहरबान है और यही वजह है कि केदारनाथ घाटी जो है वो सूरज की किरणों से चमक रही है, प्रज्वलित हो चुकी है, अपनी रोशनी को बिखेर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बीते 8 सालों में 6ठी बार यहाँ पहुंचे। इससे पहले भी वो यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आए, उससे पहले भी यहाँ पर आकर तपस्या की, प्रधानमंत्री हाथों को जोड़कर माथे को चौखट पर झुकाकर अंदर जा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और देखिए अब अंदर धाम में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद उनका जो रुद्राभिषेक वाला कार्यक्रम है, जिसके लिए पूरी तैयारियां पुजारियों ने कर ली थी, अब वो शुरू होने वाला है। तो एक खास लगाव बाबा शिव से उनका नजर आया है। चाहे प्रधान जिस तरीके से शुभांकर हम जिक्र भी आप कर रहे थे, ये देखिए अंदर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ धाम के अंदर की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। एक आस्था ये अभी से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि आस्था उनका बहुत पहले से ही, क्योंकि जब वो राजनीति में नहीं थे उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आते रहते थे, ऐसे ही नतमस्तक होते रहते थे बाबा के सामने। कुछ यही तस्वीरें हम देखिए, पीछे स्वास्तिक का चिन्ह बना है जो वेश उन्होंने धारण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो बकायदा अपने चप्पलों को उतारकर अंदर प्रवेश करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा के दर पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये मौका 6वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के धाम पहुंचे और ये 6ठी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री तो काल के पहले भी प्रधानमंत्री कई बार यहाँ पर रहे, गरुड़चट मान नवल किशोर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमालय और केदारनाथ से पीएम यहां पर एकांत साधना उन्होंने सीखी थी, और वो हमेशा कहते थे कि दिवाली से पहले वो किसी एकांत जगह पर जाना पसंद करते हैं, वहां ध्यान लगाना पसंद करते हैं। और इससे पहले हमने 17 घंटे उनको गुफा में ध्यान लगाते देखा भी है। ईशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदस्य रूपम। देखिए भगवान शिव का एक ऐसा दरबार है जहां व्यक्ति को जीव आत्मा को निजता प्राप्त होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उससे पूर्व भी गरुड़ चट्टी पर रह चुके हैं, तपस्या कर चुके हैं, और मैं तो कहता हूं जरा देख सकते हैं आज प्रकृति भी कितनी प्रसन्न है, क्योंकि प्रवृत्ति आपकी अच्छी होगी तो प्रवृत्ति आपका सम्मान करेगी। कल तो कहां बर्फ पड़ रही थी, आज बाबा को लगा कि मेरा दुलारा आ रहा है, मेरा लाडला आ रहा है, मेरा भक्त आ रहा है, तो बाबा ने पूरा प्रकाश पुंज कर दिया है। यही सात्विकता की पहचान है। ओम पाया
विष्णु विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाया श्रीमद भगवतो महाप्रकस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्यः अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारब्धे शिशु ब्रह्मकल्पे ब्रह्मविश्वेत्मन् मन्त्रे अष्टाविस्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जामुद्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे आर्यवर्तान् त्रिगत हेमवत त्रिदेशे केदार खंडान् त्रिगत वत्रिकास्मे अलकनन्दा मन्दार पुनर्द्धे क्षीर गंगा मधु गंगा से द्वारा मंदाकृतये किलारे सरस्व क्षेत्रे नलनाम संवत्सरे रवो सूर्य दक्षिणायने शरद ऋतुः कार्तिक मासे सुहे कृष्णे पक्षे कृष्णे मेघादश्याम शुक्लस्तो वास्त्रां त्रयोदश शुक्रवासरे शुः मगानाम नक्षत्रे अपना नाम को मम एवं सुहे श्री नरेन्द्र दाम नरेन्द्र दामोदर दास मोदी महाभागा भारतस्य प्रधानमंत्री प्रधान सेवकस्य भुवैकुंठ हिमालयस्य यात्रा कृष्यमानं महामृत्युंजय केदारे सर ज्योतिर्लिंग सन्निधौ अमृतकाल वेलायां प्रातःकाल वेलायां यथा लब्धोपचारित ज्ञानेनः सर्वेषां राष्ट्रीय जनानां सुख समृद्धि हेतवे विश्व शांति हेतवे भारतवर्षोन्नति हेतवे भारत अभ्युदय प्राप्त हेतवे कृष्यमानं यशः कीर्ति लाभः प्राप्त हेतवे आयु आरोग्य हेतवे भुवैकुंठ श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग पूजनम दर्शनम अर्चनम अभिषेकम च वयम् कर्मम च करिष्येतु ओम जय जाग्रतो दूरमुदेति देवं ततो सप्तसदधेवेति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवशंकरतमस्तु ओम
Shatriya Namra
जय हो भगवान। आपको ऐसी शक्ति बिल्कुल महादेव भगवान के नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो समादो
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्गतिः भवेत्। परमापति महावीर यात्रा करता हूँ और ऐसे ही हम के प्रधानमंत्री यहाँ से